फ्लाइट ले होगी क्या? हाँ हाँ ले रहा हूँ। देखिए अपना नाम और पद रखिए। मैं नीलिमा सिंह आमेरा, प्रदेश सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान। देखिए किस तरह का परिवाद दिया है आज कोतवाली में आपने। एक जो आज का जो मेरा परिवाद है, एक हमारे माननीय सांसद हैं लोक जनतांत्रिक पार्टी के श्रीमान हनुमान प्रसाद बेनीवाल जी। वो बार बार जैसे उनके जो भी वीडियो ऑडियो हम जब भाषण मंच के मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी महिलाओं के प्रति कुछ विशेष द्वेषता है। उनके वीडियो में मैंने देखा, ऑडियो में देखा कि जो हमारे प्रदेश की सर्वोच्च पद पर रही एक ऐसी महिला, प्रतिष्ठित महिला माननीय वसुंधरा राजे जी, उनको वो नाम ले लेकर इतना बेइज्जत करते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उनके मन में इतनी कुंठा क्यों है महिलाओं के प्रति। जब एक ऐसी ताकतवर और मजबूत सशक्त महिला के प्रति वो नहीं चूकते हैं तो मैं समझती हूँ वो अपने आसपास की महिलाओं को क्या सपोर्ट करते होंगे और महिलाएं उनके पास कैसे, क्या उम्मीद से उनके पास आशा लेके जाएंगी कि वो महिलाओं को सशक्त करेंगे या महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने कई बार ऐसी बयानबाजियां की है जिसमें बहुत दो अर्थ वाली बातें हैं, बेइज्जत होते हैं, ऐसा लगता है सब मुझे कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो जो धाराएं लगती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो महिलाओं के लिए कभी भी असभ्य और अशिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें। आज क्या किया है? आज मैंने यहाँ कोतवाली में अपनी FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ। उनका 25 नवंबर 2022 को का एक वीडियो मैंने परसों ही देखा था यूट्यूब पे जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें वो अनर्गल बातें कह रहे हैं, दो दो अर्थ वाली बातें वसुंधरा जी के लिए कह रहे हैं, मैं समझती हूँ एक महिला के लिए कह रहे हैं। उसके खिलाफ फिर एक FIR दर्ज करवाने के लिए आज मैं कोतवाली आई हूँ।